हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में अपने सीखेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में करीब 8-10 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, साथ में इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैंने अपने खुद की ट्रेडिंग स्टाइल बनाई है, उसके रिगार्डिंग में ट्रेडिंग करता हूँ और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है मुझे। तो मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाले 10 दिन 20 दिन, मतलब इंट्राडे में नहीं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो उसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगा अपना नॉलेज कि मैंने क्या ट्रेड ले लिया, उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। तो गाइस, यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं क्या क्या करता हूँ ट्रेडिंग में वो भी आप जान सको। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आज अपने क्या क्या सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में वो देखते हैं, क्या क्या टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं। अपना पहला टॉपिक है व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स। उसके बाद टॉपिक है स्टॉक मार्केट रिस्की, कैन एनीवन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हाउ कैन आई स्टार्ट, कैन आई मेक मंथली इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, हाउ मच मनी आई नीड फॉर स्टार्टिंग। गाइज, ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो नए हैं स्टॉक मार्केट में और सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मैं कौन से ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं बेसिकली मेरा पर्सनल इंडिकेटर है वही यूज़ करता हूँ, मैं मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, तो वो आने वाले वीडियोस में आपको मैं शेयर करता रहूँगा उसके बारे में भी। तो चलिए आज अपने वीडियो शुरू करते हैं, सॉरी अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स? तो गाइस, सबके दिमाग में आता है, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि निफ्टी आज इतना पॉइंट ऊपर गया, आज निफ्टी इतना पॉइंट नीचे गया, सेंसेक्स आज क्रैश हो गया, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई गया। तो सब सोचते हैं कि निफ्टी है क्या, सेंसेक्स है क्या, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स कोई स्टॉक थोड़ी ना है, तो है क्या, तो उसके बारे में अपने सीखते हैं आज। तो पहला है द निफ्टी 50 इंडेक्स वॉज लॉन्च ऑन 22 अप्रैल 1996। निफ्टी 50 इंडेक्स वॉज लॉन्च ऑन 1996, यानी करीब 25 साल हो गए निफ्टी को लॉन्च हुए। निफ्टी इज़ ए मार्केट इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE भी बोलते हैं। गाइज, पहले अपने देख लेते हैं, उसके बाद डीप में थोड़ी बात करते हैं। निफ्टी शोकेसेस द टॉप 50 इक्विटी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आउट ऑफ 1600 स्टॉक्स। और निफ्टी को नेशनल प्लस 50 भी बोलते हैं, इसलिए निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50 कम बोलते हैं, सब निफ्टी ही बोलते हैं। तो गाइज, अभी अपने सीखते हैं कि निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं, क्योंकि NSE में तो 1600 स्टॉक्स हैं, तो फिर 50 स्टॉक्स कौन से हैं। तो इसमें क्या होता है, NSE वाले पहले देखते हैं 1600 स्टॉक में से अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स ले लेते हैं थोड़े थोड़े, जैसे बैंकिंग स्टॉक है, IT के हैं, मेटल के हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, तो वो स्टॉक्स ले लेते हैं उसमें से जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, सेक्टर लीडर होते हैं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं और उसमें से 50 स्टॉक का एक इंडेक्स बनाते हैं। 50 स्टॉक ही उसमें रहते हैं, 1600 में से 50 स्टॉक इंडेक्स बनाते हैं। अगर ये 50 स्टॉक्स जैसा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर 50 में से वेटेज होता है, अलग अलग वेटेज होता है, अगर 50 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि निफ्टी आज सपोज 2% ऊपर गए तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा, लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि नीचे ही जाएगा, अगर आपके स्टॉक्स भी अच्छे हैं पोर्टफोलियो में तो वो भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी के साथ कंपेयर प्लीज़ मत करिए। तो गाइस ये निफ्टी के बारे में डिटेल थी, अभी आपने सेंसेक्स, तो अब गाइस अपने सेंसेक्स के बारे में जानते हैं। सेंसेक्स इज अ मार्केट इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE बोलते हैं, ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE बोलते हैं। सेंसेक्स शोकेसेस द टॉप 30 इक्विटी स्टॉक्स ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आउट ऑफ 5500 स्टॉक्स, सॉरी 5700 स्टॉक्स। जैसे NSE में 1600 स्टॉक्स हैं तो इसमें टोटल 5700 स्टॉक्स हैं, उसमें से टॉप 30 स्टॉक्स हैं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है वो सेंसेक्स में काउंट होते हैं। वो भी एक इंडेक्स ही है और ऑल्सो नोन एज S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सेंसेक्स इंडेक्स वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1979 और लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। और निफ्टी का भी लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया ही है। तो गाइज आपको इसमें पता चला, जैसे सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं ऐसे ही निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसे गाइज अपने अपने बॉडी का ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, तो ब्लड रिपोर्ट से अपने को क्या पता चलता है, अपने बॉडी की हेल्थ पता चलती है। ब्लड रिपोर्ट अच्छा है तो अपनी हेल्थ अच्छी है, अगर ब्लड रिपोर्ट में कुछ खामी यानी अपनी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो ऐसे ही ये लोग इंडेक्स है ना, वो अपना इंडेक्स अपना वो दिखाता है। तो गाइज अपने ब्लड रिपोर्ट से अपने को पता चलता है कि अपना हेल्थ कैसा है, उसके हिसाब से सेंसेक्स एंड निफ्टी के अगर ऊपर है तो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर नीचे है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो खाली बस सिर्फ इंडेक्स है। तो ये था अपना व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में, अभी आगे देखते हैं। दूसरा अपना टॉपिक है स्टॉक मार्केट रिस्की। यस रिस्की, बट यू कैन रिड्यूस रिस्क विथ रिस्क मैनेजमेंट। पहले देख लेते हैं फिर आगे डीप में जानते हैं। सेकंड नेम है स्टॉप लॉस, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, स्टॉप लॉस सब बोलते हैं मार्केट में, स्टॉप लॉस बहुत फेमस वर्ड है। ऑलवेज कीप इन माइंड एग्जिट लेवल, देन स्टॉक मार्केट इज नॉट रिस्की। ओनली 2-4% इंडियन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। गाइज आपको ये सबसे बड़ा पता है, गाइज आपको ये पता है, ओनली 2-4% इंडियन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और वही अमेरिका में 50-54% लोग इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। और इंडिया में ये डर है क्योंकि सबको डराया जाता है आजू बाजू से, अपने माँ बाप भी बोलते रहते हैं कि शेयर बाजार है तो जुआ है, इसमें पैसे हार जाते हैं, पैसे गंवाना है। तो दिमाग में अपने बचपन से यही सीखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट यानी जुआ, गैम्बलिंग। लेकिन अगर आप गाइस इसको बिजनेस की तरह लोगे, आप सपोज कोई बिजनेस चालू करते हो तो आपको क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा गाइस, आपने उसमें भी तो टाइम देना पड़ता है ना। तो सेम स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, आप सोचो कि मैं आज सीखा और कल से चालू हो जाऊं, ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसके बारे में, थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा ना। आप सपोज 10,000 का मोबाइल लेने जाते हो गाइस शॉप में, तो क्या करते हो, ऐसे ही कि आज चलो मन किया तो गए और मोबाइल लेके आ गए। चार लोग को पूछोगे, फ्रेंड्स को पूछोगे, रिलेटिव्स को पूछोगे कि कौन सा मोबाइल अच्छा है कौन सा मोबाइल नहीं है, तो आप 10,000 वहाँ नहीं डाल रहे और आप इधर स्टॉक मार्केट में लाखों रुपीस डाल देते हो किसी को पूछे बिना, और किसी ने बोला और दे दिए। अपने खुद के भी तो थोड़े, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो खुद का भी तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ना गाइस। जस्ट लाइक देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट,
इफ यू आर ड्राइविंग विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, आपको गाड़ी आती नहीं है तो क्या आप सीधा चाबी किसी से मांगते हो कि लाओ मैं गाड़ी चलाता हूँ? ऐसा नहीं होता ना गाइस, आपको भी तो थोड़ा इसके बारे में सीखना पड़ेगा ना गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस क्या है और उसको कैसे मैनेज करते हैं रिस्क को, क्योंकि देखो आपके हाथ में स्टॉक मार्केट में सिर्फ ना अपना रिस्क कितना है, लॉस लेना वही आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट तो जितना आए उतना कम पड़ेगा आपको, लेकिन रिस्क तो आपको पता है कि मैं इतना ही ले सकता हूँ। रिस्क की तो गारंटी होती है कि इतना तो ले सकते हैं आप, कि इतना ही मेरे को रिस्क लेना है, इतना ही मैं नुकसान देना चाहता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2 और मोर। अब गाइज अपने इसमें थोड़ा डिटेल सीखते हैं कि ये स्टॉप लॉस होता क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। अगर स्टॉप लॉस के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इसके बारे में हमें देखते हैं। तो स्टॉप लॉस एक गाइज ऐसी चीज़ है ना कि वो लॉस को स्टॉप करता है, तो उसके लिए इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। जैसे कि एग्जांपल अपने देखते हैं, 10 ट्रेड्स अपने सपोज 10 ट्रेड लिए। मैं गाइस ये ऐसा नहीं है, देखो ट्रेड सेम ही होते हैं, इंट्राडे हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो अपने स्विंग ट्रेड के हिसाब से, कि जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 10 ट्रेड्स लेते हैं अपने, सपोज ईच ट्रेड स्टॉप लॉस SL यानी स्टॉप लॉस 2% है, एंड रिवॉर्ड अपने 4% रखते हैं। तो एग्जांपल है, उससे ज़्यादा ही होता है गाइस, लेकिन ये तो एग्जांपल के लिए मैंने रखा है। और अपनी एक्यूरेसी है ओनली 50%, देन रिजल्ट विल बी 10% इन प्रॉफिट का भी। वो कैसे, आप लॉजिक लगाओ ना। सपोज आपने 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स में से आपका एक्यूरेसी 50% ही है, 50% यानी 5 सही हुए 5 गलत हुए, तो अभी 5 जो गलत हुए उसमें आप कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 2% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, यानी वो 5 का 2% यानी कितना हुआ लॉस आपको, 10%, 10% लॉस हुआ। और जो 5 ट्रेड सही हुए उसमें 4% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी उसमें आपने कितना कमाया, 20% कमाया। तो गाइज कितना हुआ हिसाब के, तो 20% प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10% हमने लॉस किया, तो ओवरऑल अपने 10% तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो गाइज ये पावर होता है रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपने अच्छे से मैनेज किया तो आप कितना भी स्टॉप लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन गाइज इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है गाइज, ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रेड किया और स्टॉप लॉस हो गया, कल ट्रेड किया स्टॉप लॉस हो गया, परसों ट्रेड किया स्टॉप लॉस हो गया, फिर सोचो कि अरे यार ये तो स्टडी मेरे लिए बनी ही नहीं है, इसमें तो हर बार स्टॉप लॉस हो जा रहा है। वो उसके हिसाब से नहीं होते, मे बी उसके बाद 4th ट्रेड में आपका प्रॉफिट होने वाला हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ बोला कि आज मैं ट्रेड करूँगा नहीं, आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ देखूँगा कि क्या स्टॉप लॉस होता है, कि टारगेट होता है, तो उसमें टारगेट हो गए। फिर आप अपने नसीब को कोसेंगे कि अरे यार मैं 4th ट्रेड लेता तो प्रॉफिट होता, मेरे तो नसीब में ही नहीं है, अभी 5th ट्रेड लेता हूँ, तो 5th ट्रेड में लोगे फिर से स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता गाइस, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर 10 ट्रेड लेने तो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चलो ये मेरा ट्रेड आ रहा है तो चलो मैं ले लेता हूँ, भले ऐसा नहीं, अगर आपने जो स्टॉप लॉस लेवल है उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। गाइज एक सारी डिटेल में मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको सब सिखाऊंगा, मेरे पास अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी है, मैं मेरा अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में, और मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए गाइस, और ये मेरा पहला वीडियो है तो
वीडियो में गाइस कुछ 19-20 हो तो चला लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। चलो आगे सीखते हैं अपने कि स्टॉक मार्केट रिस्की है तो कैसे है, वो अपने पिक्चर्स के हिसाब से देखते हैं। गाइस स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी कहावत है, आपने सुनी ही होगी, कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन। सब जगह आपने ये सुना होगा, कट योर लॉसेस यानी लॉस जितना हो सके उतना कम करो और प्रॉफिट है उसको रन करने दो, रन होने दो, सॉरी करने दो नहीं, रन होने दो। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे मैंने आज ट्रेड लिया है, चलो 1% प्रॉफिट हो रहा है, ले लिया और निकल गए। ऐसा नहीं होता, वो 1% क्यों ले रहे हो, जब प्रॉफिट दे ही रहा है तो 1% दे रहा है तो वो 2% भी दे सकता है। आप स्टॉप लॉस फॉलो करो ना, जैसे कि वो सपोज आपने कोई ट्रेड लिया है और सपोज वो 2% ऊपर गया और आपका स्टॉप लॉस नीचे 2% था, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके थोड़ा ऊपर लेवल के भी लाया करो ना, तो उससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा और ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट तो एक्स्ट्रा देने वाला ही है। तो गाइज यही मेन पावरफुल ट्रेडिंग स्टाइल है कि हो सके उतना स्टॉप लॉस को कम करो और प्रॉफिट को रन करो। 99 तो नहीं बोले लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ज़्यादा रखते हैं और प्रॉफिट आता है तो वो कम लेते हैं, इसीलिए उनको ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हैं पूरे ट्रेड्स का, महीने का या साल का, तो वो लॉस में ही होते हैं, मेजोरिटी सब ऐसा ही करते हैं। तो गाइज अपने को ऐसा नहीं करना, और अपने को जैसा मैं खुद करता हूँ, मेरे फिक्स होता है कि इतना स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा एक रुपये भी मार्केट को देना नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो उसको अपने हो सके उतना मैक्सिमाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो प्रॉफिट आ गया निकल जाओ, उसको पिरामिडिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे स्टाइल होते हैं प्रॉफिट लेने की, वो भी अपने आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज इसमें देखो, आप यहाँ पे सपोज आपने बाय किया और आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो जाने दो ना, आपने सपोज इधर स्टॉप लॉस लगाया, सपोज इधर आपने एंट्री मारी, इधर से मार्केट ऊपर गया तो आपने इधर, आपका तो स्टॉप लॉस इधर था ही। ने एक कहावत तो सुनी होगी, कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन। तो गाइज इसमें क्या मतलब है कि आपका लॉस हो सके उतना कट करो और प्रॉफिट को हो सके उतना रन होने दो। ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है और ले लिया और निकल गए। 90% लोग ऐसा ही करते हैं, लॉस को बड़ा रखते हैं और प्रॉफिट को छोटा रखते हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर कैलकुलेशन करते हैं मंथ के एंड में या तो ईयर के एंड में, तो वो ओवरऑल लॉस में ही होते हैं। तो गाइज अपने को ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो 2-3 साल में सीखा है स्टॉक मार्केट से कि कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, पहले मैं भी ऐसा ही करता था इसलिए मेरे को खुद को बताएं। तो गाइज मैं वो सब शेयर करने वाला हूँ आने वाले मेरे वीडियोज़ में, ये मेरा पहला वीडियोज़ है इसलिए मैं इसमें तो सारा नहीं बता सकता ना गाइज, इसलिए मैं आने वाले वीडियोज़ में मैं अपना सारा नॉलेज मैं शेयर करूँगा। तो अपने इसमें पहले पिक्चर्स में देखते हैं कि क्या कहते हैं। गाइज अपने सपोज इधर बाय किया, एंट्री मारा, तो अपने को इधर स्टॉप लॉस लगाया, ये अपना एसएल हो गया, तो इधर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने देने का, लेकिन अपने को जब पता है कि अपना इधर 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 से डिप मार के इधर जा रहा है, तो अपने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस थोड़ा मॉडिफाई करके अपने इधर एसएल लगा दिया, क्योंकि अपने को कॉस्ट लगाना है ना, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया है तो अपने स्टॉप लॉस नीचे से मॉडिफाई करके ऊपर रहे, तो ये अपना एसएल हो गया। अपने को और कुछ नहीं करना है, बस अभी मार्केट देखते रहना है, अगर अपने एसएल के नीचे क्लोज आता है या तो कुछ भी होता है तो इधर हो गया तो अपने को लॉस लेके निकल जाना है। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका इधर एंट्री मारा और इधर ही लॉस किया, यानी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ही पकड़ के रखते हैं, तो मार्केट इधर से ऊपर इतना गया फिर नीचे स्टॉप लॉस हो गया, फिर बोलते हैं कि मेरे को लॉस इतना गया फिर लॉस हो गया, तो यहाँ से अपने को ट्रेल, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब ऐसा कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो अपने ऐसे ऐसे ट्रेल करते रहेंगे, स्टॉप लॉस को इधर लगा देंगे, फिर
तो गाइज अपने को हो सके उतना अपना लॉस नहीं करना। चलो अगले इमेज में देखते हैं। जैसा कि अपने ओपन इमेज किया, इधर इधर से अपने एंट्री मारा, गाइज दिख रहा है आपको इधर से। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है ये पिक्चर में साफ दिखा है। ऐसे मार्केट ऊपर गया तो अपने क्या किया, इधर पहले अपने इधर स्टॉप लॉस था, फिर अपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके इधर लाए, फिर अपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके इधर लाए, फिर मार्केट ऊपर गया। बेस्ट एग्जांपल है लेट द प्रॉफिट रन का। प्रॉफिट हो सके उतना रन कर रहे हैं, इधर लाए इधर लाए इधर लाए। गाइज सपोज आपने लिमिटेड प्रॉफिट रखा होता तो इधर एंट्री करते, आप इधर प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन ये जो ऊपर गया वो आप मिस कर जाते। इसीलिए बोलते कि ऑलवेज स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ऐसे ट्रेल करोगे तो आप मैक्सिमम मुनाफा कमाओगे। गाइज इसके बारे में भी अपने डिटेल में और भी दिख सीखेंगे। आज अपने बेसिक सीख रहे हैं इसीलिए मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसके बाद अपने डीप में भी सीखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में बहुत स्टॉक गिर गए, पैसे गवा दिए, तो ऐसा पैसे गवाने की बात ही नहीं आती गाइज। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे कोई भी स्टॉक में तो आप इतना लॉस दे ही नहीं सकते मार्केट को। जैसे कि ये चार्ट में आपको दिखाओ, ये चार्ट में देखो गाइज, इसमें क्या है कि अगर सपोज आपने इधर एंट्री मारा, इधर आपने बाय किया, इधर से बाय किया, फिर आपने ट्रेल आपने इधर इधर स्टॉप लॉस लगाया, ये आपका एसएल था, तो इधर से स्टॉक ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, तो आप ये नया डीप आया। तो ये रूल्स होता है, जो न्यू लो होता है उसको फिर ट्रेल करते हैं। तो अपने ये स्टॉप लॉस को इधर से मॉडिफाई करती है, इधर नया स्टॉप लॉस, ये अपना पहला स्टॉप लॉस था, ये दूसरा स्टॉप लॉस आ गया, तो क्या किया इधर ये अपना बेस बन गया। जब तक नया लो मार के ऊपर नहीं जाएगा ना इसके ऊपर, तब तक अपने ये स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो इधर से ऊपर गया लेकिन ये ऊपर का लो नहीं तोड़ा, और ऐसे अगर तोड़ता है ऐसे ऊपर जाता तो अपने नया स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन तोड़ा नहीं, एडजस्ट स्टॉप लॉस पे सपोर्ट लिया, फिर फाइनली इधर से देखो ये अपना स्टॉप लॉस था ये लेवल। अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इसके बाद अपने को कुछ करना ही नहीं था, निकल जाने था। ये अपना लॉस अपने नहीं देते अगर स्टॉप लॉस फॉलो करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो इधर है ना तो इधर पकड़ के रखते हैं, चलो इधर आया तो मैं फिर इधर आया तो फिर मैं एवरेज करते एवरेज करते, फिर एवरेज नहीं करने का। जब दिख रहा है साफ साफ ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में अपने को कोई भी स्टॉक पकड़ के रखना ही नहीं है, वो चाहे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हो या इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में अपने को कुछ स्टॉक पकड़ना ही, अपने को अप ट्रेंड ऐसे ऊपर जा रहे उसको पकड़ना है। अगर ये ऐसे ऊपर जाता तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू थी, लेकिन ये प्रीवियस हाई इसको तोड़ा नहीं और ऊपर नहीं गए, उसके बाद वो नीचे ही गए, तो वो डाउन ट्रेंड ही है, तो उसको पकड़ के क्या फ़ायदा। उसके बाद अपने सीखते हैं स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये भी अलग स्टाइल गाइज है, इसमें टेक प्रॉफिट होता है लेकिन अपने इसमें पूरा प्रॉफिट नहीं लेते। जैसे कि कोई इधर सपोज बाय किया है तो बाय करने के बाद अपने पार्शल प्रॉफिट बुक करते हैं। इसमें स्टॉप लॉस ए स्टॉप लॉस देखो, इधर स्टॉप लॉस अगर नीचे जाता तो आप लॉस कम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बाय किया था यहाँ पे निकाल दिया तो कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ये भी एक है। उसके बाद तो गाइज इसके बाद नया टॉपिक है गाइज, कैन एनीवन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट में सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा हो, बीबीए किया हो या बीकॉम किया हो या कॉमर्स हो या साइंस हो। तो यस देर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि आपको 10,000 से स्टार्ट करना है या
5 लाख तक ही स्टार्ट मैक्सिमम कर सकते हो। देर इज़ नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। इट्स जस्ट दैट यू शुड बी मोर देन 18 ईयर ओल्ड टू क्रिएट अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। उसके लिए पान नंबर इज मस्ट। पान नंबर तभी ओपन होगा जब आपकी उम्र 18 साल है उससे ज़्यादा होगी। तो ये तो गाइज आपको पता चला, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट इतनी है कि आपको 18 साल के ऊपर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि, लेकिन आपको अगर बहुत सारे छोटे जैसे कि वॉरेन बफेट साहब, वो 11 साल की उम्र से ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है ना, आप किसी और के अकाउंट में सीख सकते हो। जैसे आपका पापा का है, मम्मी का है, या किसी का भी अकाउंट है, तो उनके अकाउंट से भी आप कर सकते हो अगर करना है आप में है तो। लेकिन ये जरूरी है, दिया हुआ है। उसके बाद अपने देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सबसे मेन टॉपिक ये है, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट। सबको गाइस पता होना चाहिए कि कितना रिटर्न आएगा। सब तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम कितना कमाएंगे। तो ऐसा आप उसके बारे में अपने डिटेल में देख लेते हैं। एन एवरेज रिटर्न ऑफ 15-20% पर ईयर कैन बी कंसिडर गुड इन स्टॉक मार्केट। 15-20% गाइस इज गुड इनफ। आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना आगे लॉन्ग टर्म में, तो बहुत होता है 15-20% बहुत इनफ है। जैसे कि 4% सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न इन योर सेविंग अकाउंट, दिस रिटर्न इज वे मच हायर देन योर सेविंग रिटर्न्स। द सेंसेक्स गेव अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR बोलते हैं उसको, 16.1% इन पीरियड फ्रॉम 1979 to 2020। जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था गाइस 1979 पे, 100 रुपीज़ पे लॉन्च हुआ था, उसका पहले साल का रिटर्न 129 यानी 29% रिटर्न था। उसके बाद सेंसेक्स अप डाउन हो के आज की डेट में करीब 48,000 के करीब है, वो 16% के एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। इसमें ग्रोथ रिटर्न गाइस कैसे कैलकुलेट होता है, वो ओवरऑल होता है। जैसे कि एक साल 50% दिया, दूसरे साल 5% दिया, तो वह इसका एनुअल ग्रोथ रेट, और 16% बहुत होता है गाइस। उसका आप कंपाउंड करोगे ना, कंपाउंड को भी वर्ल्ड का 8वां अजूबा बोलते हैं, वो तो आपको गाइस पता होगा। धीरे धीरे अपने गाइस अपने जर्नी में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में, और मैं क्या क्या सीखा हूँ और क्या क्या आपको सिखा सकता हूँ उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा गाइस, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहे। गाइस ये देखो मैं बोल रहा था उनका कंपाउंड में कितना पावरफुल होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड इन 1979। अगर 1979 में जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ तब अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो इधर हमने कंपेरिजन किया है कि आपने 10,000 उस ज़माने में 1979 में बैंक में रखे होते, गोल्ड में रखे होते और सेंसेक्स में रखे होते, तो कितना फ़र्क पड़ता। अब गाइज इधर देखो, बैंक फिक्स डिपॉजिट में 2,68,114 रुपीज़ होते हैं, वही अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4,08,474 रुपये रहते हैं। और वही सेंसेक्स में आप अगर इन्वेस्टेड रहते, खाली कुछ नहीं करना था गाइज, 10,000 इन्वेस्टेड और आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 45,28,568 रुपीज़। गाइज ये तो सच बोलूँ सेंसेक्स के बारे में है, अगर आपने कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टेड किया होता ना, सेंसेक्स तो इंडेक्स है ना, तो वो लिमिटेड पीरियड के हिसाब से चलता है, जैसे कि एवरी मंथ एवरी ईयर 15-20%। लेकिन स्टॉक्स में तो ऐसा नहीं होता गाइज, स्टॉक्स में तो एशियन पेंट है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि विप्रो। उस ज़माने में आप इन्वेस्टेड रहते हैं सिर्फ 10,000 से, विप्रो में 10,000 का तो अभी अराउंड 500 करोड़ जितना होता है गाइज आपका विप्रो में। 1979 में 10,000 इन्वेस्टेड किए होते तो अभी अराउंड 500 करोड़ जितने अपने में। तो इसीलिए बोलते हैं गाइज स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से उसमें
अच्छी तरह से आप उसमें ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे, ये सब लॉन्ग टर्म में होता है गाइस। आप चाहो तो 1 महीने में या 1 साल में नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 2 3 4 साल का टाइम दोगे तो आपको अच्छा रिटर्न उसमें भी मिलता है। देखो मैं इसमें आपने हमने दिखाया है कि स्टॉक मार्केट सेंसेक्स का ग्राफ है, तो आप ओवरऑल इसमें नोट करोगे गाइस कि वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, कितना भी क्रैश हो जाए तो लॉन्ग टर्म इसमें देखो आप 99 से जुलाई 2018 तक है, तो आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि वो ओवरऑल ऊपर ही जाता है। तो गाइज इसमें ऐसा ही है, अगर आप आज की डेट में भी इसमें इन्वेस्ट करोगे तो वो आने वाले 20 25 साल में वो ऊपर ही जाना है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया को आपको क्या लगता है, आप देख लो आपको क्या लगता है इंडिया के ग्रोथ कैसा रहेगा आने वाले 20 साल में? अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो अपना मार्केट भी अच्छा करेगा, और सब ऑफ कोर्स इंडिया अच्छा कर ही रहा है और करेगा आने वाले 25 50 सालों तक, तो मार्केट भी अच्छा करने वाला ही है गाइस। तो आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये टॉपिक आया हाउ कैन आई स्टार्ट, सबके दिमाग में आता है कि कैसे चालू करें, तो इसके लिए गाइस डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ज़रूरी है। अभी सबके दिमाग में आ गया कि डीमैट अकाउंट है क्या, तो गाइज डीमैट अकाउंट उसका शॉर्ट फॉर डीमैट अकाउंट को डीमटेरियलाइज अकाउंट भी बोलते हैं, इज एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी और डेब्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि आप वो जहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक का बाय सेल कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट इज वेयर यू विल प्लेस बिड्स फॉर बाय और सेल ऑर्डर्स। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय टू डिपोजिटरी, NSDL एंड CDSL, थ्रू ब्रोकरेज फर्म्स ऑल्सो नोन एज स्टॉक ब्रोकर और शेयर ब्रोकर। जैसे नाम सुना होगा जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, ये सब स्टॉक ब्रोकर हैं। अपने बैंक में जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में डायरेक्ट चले जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो आपको फॉर्म भराएंगे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अपने फैसिलिटी है बाय सेल करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेना है तो वो क्या करोगे, वो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर पड़े रहेंगे। पहले क्या होता था कि डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था, 1996 के बाद डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले के ज़माने में वो लोग जैसे कोई कंपनी के अपने शेयर लेते तो वो लोग क्या करते थे, सर्टिफिकेट अपने को देते थे, सर्टिफिकेट अपने को संभाल के रखना पड़ता था। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती थी, सर्टिफिकेट गुम जाता था या तो कोई नकली सर्टिफिकेट बना देता था या तो सर्टिफिकेट पुराना हो जाने की वजह से फट जाता था, तो ये सारी बहुत सारी तकलीफें आती थी उस तो इसकी वजह से ये लोग ने डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया। और डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि सपोज आप कोई ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खुलवाया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ब्रोकर सपोज आने वाले दिनों में कुछ भी हो गया है, ब्रोकरेज तो आपके जैसे बंद हो गई, कोई भी ब्रोकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी ब्रोकर बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो ऐसा जो नहीं है कि आपके शेयर चले गए। वो डीमैट अकाउंट और तो आपका NSDL CDSL के पास डेटा रहेगा ही, तो आप उनसे ले सकते हो। जैसे कि को सारी बैंकों को RBI हैंडल करता है, ऐसे सारे ब्रोकर को NSDL CDSL वो SEBI के थ्रू हैंडल होते हैं, तो आपका कितना भी ट्रेडिंग हो मतलब डिलीवरी ली हो शेयर की वो सिक्योर ही रहती है। वो आप 50 साल के बाद भी डीमैट अकाउंट में आपका ID दोगे या तो कुछ भी आपके पैन कार्ड से वो क्लियर हो ही जाएगा कि आपके पास कितने शेयर पड़े, और तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। उसके बाद अपने देखते हैं, ये भी क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, कैन आई मेक मंथली इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट? गाइज मैंने वीडियो में जो जो बताया उससे आपको नॉलेज तो मिल गया होगा कि मंथली इनकम ऐसा कोई सिक्योर नहीं होता, देर इज़ नो फिक्स इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इफ़ यू ट्रेड विथ डिसिप्लिन देन लॉन्गर टाइम यू विल बी इन प्रॉफिट।
Every month might be good, so never lose hope. So never lose hope and give some time to your own study. आप अपने स्टडी को थोड़ा टाइम दो, पंक्चुअलिटी बनो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो, तो लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेशन करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन सपोज आपने आज ये आज चालू किया और एक महीने बाद देखोगे कि मैं तो 5% लॉस में हूँ, गाइज ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और गाइज मैं आपके साथ रहूँगा, आप टेंशन मत लो, मेरे खाली वीडियो आप देखते रहना, मैं उसमें सारा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, तो हो सके उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो जो भी बोला मैं बोला गाइज, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले वीडियोस के लिए मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा आपको टॉपिक दे पाऊँ और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो धन्यवाद गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर देना गाइज अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।